अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट आज का हमारा लेसन है लेसन थर्टी सेवन मॉडल्स मेथड्स एंड क्यूरिकलम फॉर टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिश इस पूरे लेसन में हमने वर्ल्ड इंग्लिशज़ को टीच करते हुए कुछ मॉडल्स मेथड्स और क्यूरिकलम को देखना है उसको डिस्कस करना है ठीक है काफ़ी इजी लेसन है जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको माइंड में रखना ज़रूरी है ज़्यादा थ्योरी नहीं है काफ़ी इजी लेसन है टॉपिक टू सेवनटीन देखें एज़ वी ऑलरेडी नो हम सब जानते हैं कि इन द लास्ट टू सेंचुरीज़ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ डिवेलप्ड इन टू आ ग्लोबल लैंग्वेज पूरी दुनिया में वर्ल्डलीसेप्ट की जा रही है ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है ठीक है तो स्प्रेड ऑफ इंग्लिश क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश जो है वो ये क्या शो करवा रहा है वो ये शो करवा रहा है कि ये नंबर ऑफ वराइटीज़ की रिज़ल्ट uh, में जो है वो इमर्ज हुई है उसके अलावा मल्टीप्लिसिटी ऑफ वराइटीज़ रेजिस्टेंस टू द एक्सेप्टेंस ऑफ वराइटीज़ अब यहाँ पर uh, ये रेजिस्टेंस जो है वो ये बताता है कि कुछ लोगों को या ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स को ये लगता है कि ये फोर्टी uh, आप कह सकते हैं कि मॉडल्स या फोल्टी यूज़ ऑफ़ इंग्लिश जो है उसके नतीजे में डिफरेंट वाइटीज़ बनी थी तो इसलिए वो इन वाइटीज़ को जो है वो ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट नहीं करते ठीक है उसके अलावा नीचे जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं कि आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस ऑफ नेटिव स्पीकर इंग्लिश इन्फ्लुएंस ऑफ नेटिव स्पीकर ऑन ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर भी जो है वो इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसके अलावा लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज़म Caused by teaching of English or teaching of a particular variety of English. अब एक पार्टिकुलर वैरायटी की जो टीचिंग होती है वो लिंग्विस्टिक एमपीरियलिज़म की वजह बनती है ठीक है तो ये फैक्टर्स आप लोग पीछे पड़ चुके हैं आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट बात नहीं है आप लोगों को पता होने चाहिए उसके अलावा उन्होंने बताया कि ई एल टी मैथडोलॉजी एंड कलोनलिज्म इसमें क्या है कि लिंक बिटवीन ई एल टी मैथडोलॉजी एंड ब्रिटिश कलोनालिज़म ये हमें पता है जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि वही सदियों से जो है वो फॉलो किया जा रहा है वो रूल उनकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो कि ब्रिटिश कलोनलीजम के नतीजे में ही आई है ठीक है उसके बाद ई एलटीआर प्रोडक्ट ऑफ स्प्रेड एंड माइक्रो एक्विजीशन ऑफ इंग्लिश यहाँ उन्होंने क्या बताया कि ई एल टी आ प्रोडक्ट ऑफ सप्रेड एंड मैक्रो एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश सप्रेड जो है वो क्लोनलिज्म को शो करा और मैक्रो एक्विजिशन की डेफिनेशन हम नीचे पढ़ लेते हैं कि एक्विजिशन ऑफ अ कॉमन सेकंड लैंग्वेज बाय स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स अब यहाँ पर कॉमन सेकेंड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को शो करवा रहा है तो उसकी एक्विजिशन को हम मैक्रो एक्विजिशन कहते हैं ठीक है उसके बाद उन्होंने अगेन बताया कि ई एल टी आर प्रोडक्ट ऑफ सप्रेड एंड मैक्रो एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश प्राइमरी इनपुट डजेंट कम फ्रॉम नेटिव स्पीकरस ठीक है ये भी एक फॉल्ट uh, बिलीव था लोगों का कि ये शायद नेटिव स्पीकर से ही आते आता है इनपुट जो होता है वो डजंट कम फ्रॉम नेटिव स्पीकर्स ठीक है उसके बाद क्या होता है कि जो लोग डिफरेंट वैरायटीज को एक्सेप्ट uh, कर लेते हैं देन वो क्या करते हैं वो डिफाइन करते हैं बाय इट्स ओन लेक्सिकन आइटम्स एंड ट्रांसफॉर्म्ड मीनिंग यानी कि फिर वो अपने तरीके से जो है वो उसकी डेफिनेशंस उसकी मीनिंग्स बना लेते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर जो है वो यूँ कह सकते हैं कि न्यू कॉन्टेक्स्ट जो होता है जो ये लोग बना लेते हैं विल डिफ़ाइन द लेक्सिकन डिफरेंटली ठीक है डिफरेंटली वो डिफ़ाइन करता है ना फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज तो यहाँ पर उसके बाद उन्होंने शो करवाया डेवलपमेंट ऑफ री अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो नॉट अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इसकी अगर मैं सिंपल बात बता दूँ तो ये ना सिर्फ उन लोगों के नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाने के नतीजे में निकली है या वहाँ से शुरू हुई थी और ना ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से आने वाले लोगों की वजह से शुरू हुआ था ठीक है मीन्स आप कह सकते हैं इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया ऑफ़ इंग्लिश स्पीकर्स तो उनके नतीजे में नहीं हुआ था ये असल में ब्रिटिश कलोनीज़ जो थी जो कि नॉन नेटिव स्पीकर्स की कलोनीज़ होती थी उनकी वजह से ये वैरायटी इमर्ज हुई है ई आर टी की भी और वर्ल्ड इंग्लिश की भी ठीक है लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये नेटिव स्पीकर्स की वजह से हुआ है शायद ये ब्रिटिश और अमेरिका की वजह से हुआ है बट ऐसा नहीं है ये उनकी ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो थी जो कि नॉन नेटिव स्पीकर्स की कॉलोनीज थी उसके नतीजे में ज़्यादा इमर्ज हुई थी ये वैरायटीज ई एल टी की वर्ल्ड इंग्लिश की ठीक है इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही था और कुछ भी नहीं था आई होप सो so, कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी अब यहाँ हमारे पास टॉपिक टू एटीन है जिसमें ई एल टी ड्यूरिंग कलोनलिज्म के ए, दौरान जो है वो ई एल टी की डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज कंट्रोल्ड बाय द पोलिटिकल एंड इकनॉमिक नीड्स ऑफ द एम्पायर उसके बाद उन्होंने बताया कि ई एल टी मैथडोलॉजी वाज सब सर्वियंट टू इंपीरियल पर्पजेज यानी कि इंपीरियल पर्पजेज़ के आप कह सकते हैं ताबे थी ठीक है ये थोड़ी सी हिस्ट्री है जैसे एक दफ़ा पढ़िएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वराइटीज़ देखिए एम्फेसिस ऑन मदर टंग लिटरेसी इंग्लिश टॉट थ्रू बाई लिंगल एजुकेशन ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा द इम्पायर लैकिंग द कपेसिटी टू हायर नेटिव इंग्लिश स्पीकर तो इस दौरान जो है वो ये सारे स्टेप्स किए गए थे ये सारी इम्प्लीकेशनस की गई थी उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ़ वराइटीज़ द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज स्प्रेड डिपेंडेंट ऑन नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकरस टीचर्स ठीक है ये बात याद रखे कि नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकरस टीचर्स पर डिपेंडेंट था ठीक है और प्लेड अ सिग्नीफिकेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट वराइटीज़ तो इस नतीजे में क्या हुआ था कि जब नेटिव स्पीकरस की कमी कर दी गई थी और नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकरस को ही हायर किया गया था तो डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश जो थी वो क्रिएट हुई थी और वही इमर्ज हुई थी ठीक है अब यहाँ हमारे पास टॉपिक टू नाइनटीन आ जाता है ई एल टी मैथडोजी एंड लिंग्विस्टिक एम्पीरियलिज़म यहाँ हमने लिंक पढ़ना है ई एल टी मैथडोलॉजी का और लिंग्विस्टिक एमपीरियलिज़म के दरमियान का लिंक पढ़ना है ठीक है अब यहाँ पर क्या होता था कि जो नेटिव स्पीकर्स होते थे वो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर जो होते थे वो अपने आइडियाज़ को अपने व्यूज़ को नॉन नेटिव स्पीकरस के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते थे ठीक है उनको आप कह सकते हैं कि नीचा दिखाने की कोशिश करते थे तो यहाँ उन्होंने बताया कि नॉन नेटिव कॉन्टेक्सट ऑफ ई एल टी डेवलपमेंट कौन डिक्ट विद लिंग्विस्टिक एम्पीरियलिज्म ठीक है तो यहाँ से ही जो है वो लड़ाइयाँ वगैरह स्टार्ट हो जाती थी उसके बाद लिंग्विस्टिक एम्पीरियलिज्म निगलेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एजेंसी ऑफ द नॉन नेटिव स्पीकर टीचर्स ठीक है दैन यहाँ पर कुछ मिसकॉन्सैप्शन है अबाउट द नॉन नेटिव टीचर्स अब यहाँ जो मिसकॉन्सैप्शन है उसमें बताया गया है कि नॉन नेटिव टीचर्स जो होते थे वो रेडिली एक्सेप्ट करते थे मैथडोलॉजी जो कि प्रोड्यूस्ड किया जाता था यूके और यू से यानी कि जो टेक्स्ट बुक या जो क्यूरिकुलम वहाँ से आता था वो उसको वाइडली एक्सेप्ट करते थे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते थे ठीक है क्रिटिकल एटीट्यूड फाउंड अमंग स्टूडेंट्स स्टडिंग गेयट इन द यू तो यहाँ से जो है वो एक एटीट्यूड पैदा हो जाता था स्टूडेंट्स का कि क्वेश्चन क्यों नहीं करते उसके बाद मिसकॉन्प्शन बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल नोशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंस इंटेलेक्चुअल डिपेंडें इकोनॉमिक डिपेंडेंस वो शो करवा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर दूसरे मिसकॉन्सैप्शन क्या आए हैं कि द वेस्टर्न मैथड डेटेड फ्राम द पोस्ट वर्ल्ड वार टू पीरियड जबकि ये पोस्ट वर्ल्ड वार टू पीरियड के नतीजे में नहीं आई थी बल्कि उससे पहले से बिफोर वर्ल्ड वार टू ये इमर्ज थी ये वैराइटी ठीक है दे हैड नॉट कम इंटू एक्जिस्टेंस एट द टाइम वन इंग्लिश बिगन टू सपरेट अमेरिका एशिया एंड एल्सवेयर तो ये यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स भी बताए गए यह सब मिसकॉन्सैप्शन है ऐसा नहीं हुआ था ठीक है तो ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं कि एक एक दफ़ा अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ नेटिव स्पीकर्स ऑन ईआर है तो आप लोगों को नेटिव स्पीकर्स का तो इन्फ्लुएंस पता है वो आप लोगों को ना भी बताएं तो आप लोग को खुद से लिख सकते हैं यहाँ उन्होंने बताया कि उनका डिटरमाइनिंग uh, कहते थे द प्रॉपर गोल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन उनकी एक प्रॉपर आप लोगों को पता है प्रोफिशेंसी होती थी डिवेलमेंट ऑफ़ द नोशन ऑफ नेटिव स्पीकर एज द आइडियल टीचर तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इन्हें एक एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाना है टॉपिक तो टू ट्वेंटी सेंट्रालिटी ऑफ इनर सर्कल इन ई एल टी ठीक है तो इनर सर्कल सेंट्रैलिटी बेस्ड ऑन सर्ट एन एज एल एजम्पन्स कुछ एज्पशनस हैं जो कि देखें आप द टारगेट लैंग्वेज इज लर्न इन अदर टंगवायरमेंट ठीक है उनके अकॉर्डिंग टारगेट लैंग्वेज सीखी जा सकती है इन अदर टंगवायरमेंट प्रोफेशनसी ऑफ द मदर टंग इंग्लिश स्पीकर टारगेट द नसैसिटी ऑफ़ नेटिंग इंग्लिस स्पीकरस टीचर्स ठीक है तो ये आप लोगों को पॉइंट्स पता होने चाहिए द नेसेसिटी ऑफ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स टीचर्स के उनकी भी ज़रूरत थी ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अगर आप लोगों को प्रोफिशेंसी चाहिए तो इन सब फैक्टर्स को फॉलो करना ज़रूरी है ठीक है और हर एक का टारगेट यही होता है कि वो नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस पर पूरा उतर सके ठीक है अब यहाँ पर दो और पॉइंट हैं कि डेवलप्ड एंड ट्रांसपोर्टी टू द आउटर सर्कल कॉन्टेक्स्ट के जो मेथड्स और जो क्यूरिकलम फॉलो किया जाता था उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था आउटर सर्कल कॉन्टेक्स्ट में तो क्या आगे उन्होंने पॉइंट बताया कि मोस्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट के ज़्यादातर कॉन्टेक्स में क्या होता था कि एजम्शन जो होती थी वो इनअप्रोप्रिएट होती थी नामनासिब होती थी ठीक है उसके बाद अज्यूम्ड वी एस रियल कंडीशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजीशन अब यहाँ पर एक अज्यूम कंडीशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की जा रही है और जो रियल कंडीशन है उसको भी उन्होंने उसके वर्सेस में यूज़ किया है ठीक है अब अज्यूम कंडीशन ये एक नेटिव कॉन्टेक्स्ट है और नेटिव कंट्रीज में ही यूज़ किया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है अगर इन रियल कंडीशन देखें तो इट इज़ आल्सो टॉट इन नो नेटिव कॉन्टेक्स्ट इन नो नेटिव कंट्रीज एज वेल एज वी नो उसके बाद उन्होंने बताया है कि द टारगेट लैंग्वेज इज नॉट आ नेटिव बट अ न्यू वराइटी ऑफ इंग्लिश अब अगर अज्यूम कंडीशन की बात करें तो टारगेट लैंग्वेज लोगों को लगता है कि इज़ आ नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी कि हमें नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना आना चाहिए लेकिन अगर हम रियल कंडीशन में देखें तो टारगेट लैंग्वेज का ये नहीं होता कि हमें नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना आना चाहिए ठीक है उसके बाद यहाँ थर्ड पॉइंट बताया है कि नो नीड फॉर द लर्नर्स टू सिमुलेट विद द नेटिव कॉन्टेक्स्ट ये इन रियल कंडीशन की बात की जा रही है अगर अज्यूम कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ अज्यूम कंडीशन में उन्होंने बताया है कि असिमिलेशन होनी चाहिए नेटिव कल्चर के साथ नेटिव स्पीकर्स की तरह लेकिन अगर इन रियल देखें हम तो ये एक फॉल्टी बिलीव है देर इज़ नो नीड टू असिमिलेट टू दिस इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लर्निंग कल्चर ठीक है तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट है लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए वैसे पेपर में इतना आता नहीं है हाँ आप लोगों से वो कॉन्सेप्चुअल uh, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसलिए आप लोगों के पास इनके कॉन्सेप्ट होना जरूरी है ठीक है उसके अलावा जो नीचे पॉइंट्स हैं ये ऐसा जितने इम्पोर्टेंट नहीं है आई होप सो कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी जस्ट पॉइंट्स थे उन्हें एक दफ़ा रीड कर लें तो आप लोगों को खुद भी समझ आ जा जाएगी ये आगे जो टॉपिक टू ट्वेंटी वन है इट इज़ इम्पॉटेंट इसमें अप्रोच मैथड और टेक्निक की बात की गई है आप लोग पीछे पढ़ चुके थे ये आप लोगों ने शायद पिछली बुक्स में इसको रिपीट किया होगा अप्रोच को मैथड को और को तो अगेन हम पढ़ लेते हैं अप्रोच मैथड और टेक्निक के कॉन्सेप्ट को अप्रोच अगर देखा जाए तो ये कम ज़्यादा द लेवल ठीक है जैसे कि यहाँ पर लिखा है उसके अलावा थ्योरेटिकल व्यू ऑफ वट लैंग्वेजेस एंड ऑफ हाउ इट कैन बी लर्न ठीक है तो ये जो होती है हमारे पास अप्रोच ये हमें प्रोवाइड करती है प्रोवाइड अस विद थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज ठीक है तो ये एक थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लैंग्वेज होती है वो हमें प्रोवाइड करती है उसके बाद अगर मेथड देखा जाए तो ये कंसिस्टेंट है विद अप्रोचेज अगर मैं आप लोगों को मैथड का सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं लाइक फॉर इंस्टेंट हमने अप्रोच की बात की थी कि अगर अप्रोच एक थेरी है ठीक है देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थेरी इन टू प्रैक्टिस थ्रू मैथड्स फॉर लर्नर्स ठीक है तो मैथड्स में ये काम होता है कि जो इंप्लीमेंटेशन होती है ना इस थेरी की जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो सारी मैथड में आ जाती है उसके बाद टक्नीक जो है ये कम्स एट द कंक्रीट मोस्ट कंक्रीट लेवल ठीक है कंप्राइज द एक्टिविटीज यूज टू इंप्लीमेंट मैथड अब यहाँ पर जो टेक्निक का पर्पस है वो क्या होता है कि वही इम्प्लीमेंट द मेथड और अप्रोचेस एट दैट लेवल ठीक है तो ये जो टेक्निक का नाम दिया होता है वो यही होता है कि हमने जो मेथड्स को अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करना होता है वो हम टेक्निकल लेवल पर करते हैं ठीक है अब यहाँ पर नीचे एक पॉइंट हाईलाइट किया मोनो मॉडल का कि ये डिफाइंड किया गया था बाय कचरू मोनो मॉडल जो था ये था कि जस्ट वन मॉडल फॉर टीचिंग इंग्लिश ठीक है तो ये इम्प्ला इम्प्लाइज किया गया था यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन डेफिनेशन ऑफ द बेस्ट वे टू टीच डू नॉट यूज़ कॉन्टेक्सट एज आ वेरिएबल ठीक है इसी तरह नीचे एक मॉडल है कमार अवादिब्लू टू थाउजेंड थ्री में इसने सजेस्ट किया था द एग्जिस्टेंस ऑफ आ पोस्ट एरा इसके अकॉर्डिंग वन साइज फिट्स ऑल अप्रोचेस ठीक है ये भी मेथड जो था ये इन मेथड था इसी तरह इम्पोर्टेंस गिवन टू द कॉन्टेक्सट एंड द लोकल नीड्स तो इसके अकॉर्डिंग जो थी वो ये बात थी कि लोकल नीड्स को कॉन्टेक्स्ट को भी जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए टॉपिक टू ट्वेंटी टू जो है ये इसमें आ, उन्होंने बताया था थ्रेटिकल पर्सपेक्टिव जो कि ब्राज कचरू ने सजेस्ट किया था इसके अकॉर्डिंग कुछ एजम्पन्स थी कुछ पॉइंट्स इसने सजेस्ट किए थे जिसमें उसने बताया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेंज ऑफ मॉडल्स ठीक है यानी कि लार्ज नंबर ऑफ मॉडल्स रैदर दैन जस्ट वन मॉडल ठीक है उसके बाद द लोकल इनोवेशन इन इंग्लिश आर बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द यूजर्स इंग्लिश बिलोंग टू ऑल दोज इट ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स इसने भी सजेस्ट किए थे उसके अलावा लैक ऑफ़ अवेयरनेस ऑफ दिस परस्पेक्टिव अमंग प्रकटिशनर एंड टीचर एजुकेटर्स उसके अलावा इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज तो अगर उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर तो पर यूज़ किया जाता है तो ज़रूरत है यहाँ पर इंटेलिजिबिलिटी की समझने की फोकस ऑन द डोमेन्स फॉर विच द लैंग्वेज इज़ नीडिड वहाँ उन डोमेन्स में भी ज़रूरत है इस पर फोकस करने की जहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की जा रही है उसके अलावा फ्रेंडली रिलेशनस अमंग यूज़र्स उसके अलावा नीचे कुछ पॉइंट्स थे कि नीड फॉर रिस्पेक्ट फॉर लोकल कल्चर नीड फॉर टीचर फ्लेक्सिबल नीड फॉर अटेंशन टू लोकल कल्चर ऑफ लर्निंग आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा बिकॉज ऑफ द फ्लू आई कॉन्ट गिव माई बेस्ट आई थिंक आई डोंट नो कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ईजी वे में प्रोवाइड कर सकूँ बिकॉज आई नो आप लोगों के फाइनल टर्म्स आने वाले हैं इनफैक्ट आ ही गए हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले पहले ख़त्म कर दूँ तो आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा अगर लेक्चर समझ आया तो उसको लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं जस्ट बट अप्रिशिएट नहीं करते काफ़ी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं अप्रिशिएट किया करें सब्सक्राइब करने से लाइक करने से आई डोंट थिंक सो के कोई बहुत बड़ा काम हो जाता है जस्ट अप्रिसिएशन मिलती है तो अगर कोई ए, मेहनत करता है अगर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है किसी विदाउट एनी परपज़ तो आप लोग इतना सा काम तो कर ही सकते हैं अप्रिशिएट कर सकते हैं बाय लाइक बाय सब्सक्राइब आई होप सो कि आप, आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा अगर लेक्चर समझ आया है तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा मेरी सेहत की भी दुआ कीजिएगा बाकी अल्लाह हाफिज़